हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी क्लास सेवन्थ टॉपिक व्हाट इज़ इकोसिस्टम। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं विद ह्यूमन एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम और उसके एग्जांपल्स। यहाँ पे है एनसी कैंप के अंदर जो रवि की क्लास में है अटेंड करता है वो, तो वहाँ पे चल रहा है। तो वो जैसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउन पोर, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। इट रिमेन मी माय होम इन केरला, मुझे अपने घर की याद दिला रही है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। और आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से जो सडन फॉल हो रही है, डाउन पोर यानी पोर यानी इतना ज़्यादा जो सडन फॉल हो रहा है रेनफॉल, उसकी वजह से जो ग्रीन आपको एरिया देखने को मिलेगा, फील्ड्स में कोकोनट प्लांटेशन देखने को मिलेंगे, वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा नज़ारा है। लश यानी ग्रोइंग वेरी थिकली एंड वेल, बहुत अच्छे से जब ग्रीन एरिया वहाँ पे ग्रो करता है तो वो लश कहलाता है। तो उसके बाद हीरा बोलता है फ्रॉम जैसलमेर से है, वो एक्सक्लेम करता है कि वी गेट नो रेन्स वी सी ओनली किकर, अरे हमारे यहाँ तो कोई भी बारिश नहीं होती है, क्योंकि जैसलमेर में तो आपको पता ही है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। वी सी ओनली कीकर, वहाँ पे तो हमें बस ये प्लांट देखने को मिलते हैं, झाड़ी और जो कांटे वाले पेड़ होते हैं। एज़ फार एज सैंड होती है वहाँ पे, जहाँ दूर तक भी आंखें देख सकती हैं वहाँ तक हमें सिर्फ रेत ही नज़र आती है। एंड बट हाँ, एक चीज़ है, रवि बोलता है अरे वहाँ पे कैमल्स तो होते हैं ना, तो उसने बोला हाँ भाई कैमल तो होते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम का मीन क्या है, इकोसिस्टम मीन्स एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, फिजिकल केमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती है, प्लांट एनिमल पे, एनिमल ह्यूमन पे, और वी आर द डिपेंड टू ईच अदर अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। जब एक दूसरे की एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे के मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। तो ऐसे ही ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ब्यूटीफुल सीनरी पिक्चर बना रखी है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, किस तरीके से अपना एक दूसरे पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपनी लाइफ के लिए। और यही एक इकोसिस्टम है जहाँ पे सब की लाइफ को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। हीरा से इज़ नॉट जस्ट अ कैमल, वहाँ पे सिर्फ कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट में आओगे तो स्नैक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, मैनी इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे, छिपकली सांप, और आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। रवि बहुत वंडर्ड होता है, सरप्राइज होता है, व्हाई डू वी एनिमल्स एंड द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लीव वरी इज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो कहते हैं कि इतना एनिमल वेजिटेशन हर जगह पे अलग अलग पाया जाता है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने एग्जांपल में देखा था हीरा जैसलमेर में है तो वहाँ का डिफरेंट एनिमल और वेजिटेशन है, केरला में हमने देखा था जैसे कि जैसे ने एग्जांपल दिया था वहाँ पे अलग ही ग्रीन एरिया है, कोकोनट है, मतलब एक जगह बिल्कुल ग्रीन एरिया नहीं है और एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है। तो यहाँ पे वो रवि कहता है कि ये समझ नहीं आया कि कैसे एक दूसरे से इतना रिलेटेड होते हैं क्या, और अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और किस तरीके से हम प्लेस टू प्लेस, ये सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम बोला है, चाहे वो एनिमल है, वेजिटेशन है या पीपल है, सभी एक दूसरे पे एक दूसरे से अलग होते हैं और रिलेटेड भी हैं। तो यहाँ पे मैम कहती हैं यस, ओ यस वेरी मच सो, हाँ हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन हैं, डिपेंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, और हम सब एक दूसरे पे सराउंडिंग पे जो भी थिंग्स होती हैं उस पे डिपेंड करते हैं, चाहे हम कश्मीर में रहें या फिर हम डेजर्ट में रहें या नदन प्लेन्स में रहें, तो वहाँ की जो सराउंडिंग्स होती हैं उस पे डिपेंड हो जाते हैं, यानी जो चीज़ें वहाँ पे हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मिल रही हैं। एंड ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, और हम एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं, चाहे प्लांट है, ह्यूमन और प्लांट्स हैं, लाइक आप फैमिली में एक साथ रह रहे हो, आप खुद ही सोचो एक साथ रह रहे हो तो एक दूसरे का सपोर्टिंग हो ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई मम्मा अपने अलग लगी हुई हैं, अपना खाना अलग बना रही हैं और आपके लिए नहीं बना रही हैं, वो पूरी फैमिली को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, उनको पूरे घर का काम करना है। तो दैट इज़ द मीन्स ऑफ जब डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो ऐसे ही नेचर होता है, सब एक साथ रहते हैं पूरा, और नेचर और एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए।
द रिलेशन्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम। यानी रिलेशन्स होता है चाहे वो लिविंग विंग का लिविंग विंग के साथ हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उसके साथ हो, नॉन लिविंग के साथ ही क्यों ना हो। तो इकोसिस्टम है वो लार्ज है, रेन फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पोंड भी अगर उसमें है, छोटा सा तालाब भी, तो वो भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द वाटर सिस्टम, क्या होता है वाटर सिस्टम। मीन्स होता है इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जब हम पैसे के बिना वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं, जैसे मानो मुझे वीट खरीदने हैं तो मेरे पास मनी नहीं होगी और मैं उसकी जगह क्या गेहूं दे सकती हूँ, वीट दूंगी, और उसकी जगह जो बायर होगा या फिर जो सेलर है जो अपना शूज को सेल करना चाहता है तो हम उसको क्या देंगे, अपना वीट देंगे और उसके बदले में हम उससे शू मेकर से शूज़ ले लेंगे। तो दैट इज़ द मीन्स जब आप थिंग्स के बदले में थिंग्स एक्सचेंज कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो विदाउट द मनी, या सिंपल इज़ दैट विदाउट मनी एक्सचेंज थिंग्स, तो दैट इज़ द मीन्स बार्टर सिस्टम जो एंशियंट टाइम पे होता था जब मनी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे बोला है डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि, जो रवि नेक के पास जो आसपास उसने जिस पार्क की वो बात कर रहा था एंड ही इज़ फ्रेंड्स प्ले फ्रॉम एन इको सिस्टम। तो यहाँ पे बोला है जो पार्क है उसमें जब उसके फ्रेंड्स वो प्ले करते थे तो वो सब क्या इकोसिस्टम का पार्ट है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आप मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में और आप बताएंगे कि ये इकोसिस्टम में कौन ये पार्ट है या नहीं है। आप क्या सोचते हैं, जो पार्क था वो इकोसिस्टम का पार्ट है या नहीं है, यानी जिसमें रवि और उसके दोस्त खेला करते थे। एंड ह्यूमन बींग इंटरैक्ट, यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, यानी पूरा रिलेटेड टू ह्यूमन, जो ह्यूमन ने एक नेचर है जो कि नेचर से क्रिएशन होता है और एक ह्यूमन है जो कि ह्यूमन क्रिएटेड है, जो मॉडिफाई कर दिया है, तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। यानी ह्यूमन हैव यूज द नेचर और या नेचुरल रिसोर्स फॉर देयर ऑन जिसे कह सकते हैं डेवलपमेंट या फिर अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। इंटरैक्ट एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को चेंज किया है। अर्ली ह्यूमन अडेप्ट दैमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो अर्ली ह्यूमन हुआ करता था उसने अडेप्ट कर अपने आप को नेचर के तरफ, जो भी सराउंडिंग जो भी चीज़ें मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। यानी अगर आप कश्मीर में रहते हो तो अपने आप को वैसा बना लेना, अगर डेजर्ट में रहते हो तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग डैम सेल्फ अपने आप को चेंज करना। विद टाइम नीड, धीरे धीरे उस ज़रूरतें बढ़ने लग गई, बिकम अ मोर वरिड, और भी ज़्यादा अलग अलग तरह की हमारी जो नीड्स थी वो ग्रो होने लगी। ह्यूमन ने अब नई तरीके से सीख लिया था यूज़ करना, एनवायरनमेंट को चेंज करना, एंड लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, खेती करना, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को अपने पालना, पशुओं को रखना और अपनी लाइफ को सेटल करना, वो सब चीज़ें जो थी सीख ली। एंड व्हील वाज इन्वेंटेड, पहिए का भी आविष्कार कर लिया था, क्योंकि उसे व्हील से ये हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है उसको ले जाना बहुत इजी हो गया, कैरी करना, और ख़ुद भी हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते थे। और जो सरप्लस फूड था वो होने लगा, सरप्लस फूड यानी जो एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर फूड की हो जाती है, क्योंकि पहले ह्यूमन सिर्फ अपने सर्वाइव करने के लिए ग्रो करता था, बट फिर उसके बाद जब एक्स्ट्रा उनके पास प्रोडक्शन होने लगा तो वो उससे सेल करके भी अर्निंग करने लगा। वाटर सिस्टम इमर्ज, उस फिर बाद में वाटर सिस्टम आया। वाटर सिस्टम मींस थिंग्स विदाउट मनी एक्सचेंज द थिंग्स, जो आप थिंग्स के बदले में थिंग ले रहे हैं वो आया। ट्रेड स्टार्ट हुआ, फिर कॉमर्स डेवलप हुआ, एंड देर आर मोर थिंग्स चेंजिंग एंड मॉडिफाई बाय द ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन बिकम अ फास्टर, पहले बैलगाड़ी थी और उसके बाद आज देख रहे हैं आपके कार हैं, एयर के जो ट्रांसपोर्ट हैं हमारे पास, एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी आया। कम्युनिकेशन ईजियर हो गया, पहले लेटर पोस्ट किए जाते थे, आज तो कॉल करो फटाफट से ही हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और आज पूरे वर्ल्ड से हम कनेक्ट हो चुके हैं और स्पीडली हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एक रेवोल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से भेज सकते हैं।
हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटर मेलन इन समर? क्या कभी आपने सोचा कि क्यों हमें वाटर मेलन गर्मियों में अच्छा लगता है, या फिर जो रोस्टेड पीनट होते हैं वो हमें विंटर में ही क्यों पसंद होती हैं? क्योंकि दे आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें नेचर से मिली हैं, बाय नेचर दी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए परफेक्ट हैं, एंड परफेक्ट बैलेंस ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर हम जैसे कि अभी हो ही रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और जो नेचर की जो नेचुरल थिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो बैलेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ह्यूमन को होगी, हर किसी को होगी। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव, सबसे पहले ह्यूमन को ये सीखना चाहिए, यूज़ दियर एनवायरनमेंट, यूज़ करो इन अ हारमोनियस वे। उसने ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव, यूज़ दियर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे, अच्छे तरीके से, मतलब एक वे ऑफ, जिसे कह सकते हैं, एक बैलेंस वे में, एक अच्छे तरीके से, पीसफुल मैनर में, हारमोनियस मीन्स एक पीसफुल मैनर में यूज़ करें एनवायरनमेंट को, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ना करें, जिससे कि वो एक बैलेंस जो बना हुआ है पूरे नेचर का वो डिस्ट्रॉय ना करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खुद ह्यूमन को ही आने वाली है, जैसे कि आज हम फेस भी कर रहे हैं। तो ये एक पूरा ह्यूमन का एक बताया है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है और किस तरीके से स्टार्टिंग टू अब तक जो चेंजेस आए हैं अपने नीड को ग्रो करने के लिए, ह्यूमन अपना चेंज करता जा रहा है। ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स सिंपल, मॉडिफाई द नेचर एंड अकॉर्डिंग टू दियर नीड। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब हम एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। एंड यहाँ पे न्यूरी नूरी जो गर्ल है, एक मिजोरम की से बिलोंग करती हैं, तो वो रवि की क्लास में ही है। ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, तो उन्होंने कई बार अपने वहाँ के एरिया की, अच्छे वहाँ पे ग्रीन एरिया है चारों तरफ, उसकी बात करी है कि मिजोरम में बहुत अच्छा ग्रीन एरिया देखने को मिलता है। रवि अपसेट हैविंग अ लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, जब वो उदास हो जाता है कि अब हमने अपना प्लेग्राउंड खो दिया, तो नूरी उसे इनवाइट करती है कि आप हमारी प्लेस पे आओ इस वकेशन पे, वहाँ पे देखो कितना अच्छा लुक है, तो आप अपसेट मत हो लाइक दिस। तो रवि की टीचर्स भी यही कहती हैं कि हाँ स्टूडेंट, आपको ऐसे लैंडस्केप देखने चाहिए और आप उनको ड्रॉ करें, हाउसेज, एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, इस हॉलीडेज़ में आप जहाँ जहाँ विजिट करेंगे उसको ड्रॉ करो, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ का हाउसेज और एक्टिविटीज़ लाइक दिस। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है, जो कि हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड था और बहुत सिंपल था कि इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेन एनवायरनमेंट, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, बायोटिक, अबायोटिक, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर द डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो सेपरेटली। फुल एनसीईआरटी क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आर डिस्कस विद यू, एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।